वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। अगर आप आरआरबी पीओ के लिए हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। जी हाँ, ये सबसे पहले छोटी सी न्यूज़, उसके बाद हम आज का जो टॉप बात करने वाले अपनी सैलरी के ऊपर, जो मेरी मई मंथ में क्रेडिट हुई है उसके मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि हाँ, 1500 प्लस हिंदी क्वेश्चंस की पीडीएफ आने वाली है, जुलाई के सेकंड वीक में आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए, दोनों ही प्राइसेस लिखे हुए हैं, जहाँ पे सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो 149 में मिल जाएगा पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन, अगर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आपको 300 रुपये का पड़ेगा। और जैसे ही ये लॉन्च होगा, मैं किस तरीके से इसका पेमेंट मेथड है वो मैं सब आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हम आपको यहाँ पे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए, केवल 30 सेकंड का मैं समय लूँगा, उसके बाद जो टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूँ वो मैं शुरू कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, डेली रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है और जो हूबहू एग्ज़ाम में लैंग्वेज आती है वही आपको मिल जाता है। अगर आप स्केल 2 की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि टेलीग्राम पे आप किस तरीके से हमें सर्च कर सकते हो, आगे की स्लाइड में मैं बता दूंगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी सैलरी के ऊपर। लेटेस्ट सैलरी स्लिप है मई महीने की है, आरआरबी पीओ, जिसे हम बैंकिंग लैंग्वेज में ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं, उसकी सैलरी स्लिप ये आपके सामने है। यहाँ पे देखो किस तरीके से ये गणना की गई है कि जो बेसिक पे है वो 37,490 है, डीए आपको मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, डीए ऑन लर्निंग अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, डीए ऑन स्पेशल अलाउंस, लोकेशन अलाउंस मिल जाता है और स्पेशल अलाउंस मिल जाता है। तो ऑन एन एवरेज लगभग मुझे 2 साल होने वाले हैं, जुलाई में मेरा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आफ्टर लगभग हम कह सकते हैं कि 23 महीने के बाद जो सैलरी शायद हम 54 प्लस पे मैंने शुरू किया था, अब वो सैलरी पहुंच गई है 66 पे, यानी कि 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं और लगभग 12,000 रुपये की बढ़ोतरी सैलरी में हो चुकी है, बिना केवल एक इंक्रीमेंट अभी इसमें लगाए। जैसे ही दूसरा लगेगा तो ये सैलरी 70 के अप्रॉक्सीमेट में पहुंच जाएगी। और इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, उसकी जरा हम बात कर लेते हैं। इसमें ये जो डिडक्शंस हैं इनकम टैक्स का, मैंने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्टेन किया हुआ है तो उस हिसाब से मेरा जो इनकम टैक्स है वो 2,540 रुपये कट रहा है, एनपीएस में 5,313 रुपये जा रहा है। तो ये तो आपका ही पैसा है, तो ये कटना ना कटना एक ही बात है, 5,313 रुपये इतने ही रुपये सरकार आपको मिला देती है। और इसमें अभी जो हमारा जो रिटर्न चल रहा है वो लगभग 8.5% का रिटर्न इस पर आ रहा है। और बीएसबीएस में ये कटौती हुई है। बीएसबीएस क्या होता है कि अगर हमारे स्टाफ में किसी की डेथ हो जाए, वर्किंग स्टाफ की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटायर्ड स्टाफ, अगर हमारी वर्किंग स्टाफ की किसी की डेथ हो जाती है तो एक वर्किंग स्टाफ की डेथ पे हर एक एम्प्लॉई के सैलरी से 100 रुपये डिडक्ट किए जाते हैं, और जो भी डिमाइसिस होता है उसके में आप हमारे बैंक के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाते हैं कुछ राहत पहुँचाने के लिए। तो ये बीएसबीएस का पैसा कटा हुआ है, टोटल जो कटौती है वो 12.35% है, 57,865। अगर ये बीएसबीएस नहीं कटा होता तो 58 प्लस इनहैंड सैलरी आ रही होती, और मैंने अभी जून में डाला हुआ था वहाँ पे जो सैलरी थी वो 65,000 प्लस थी, डीए बढ़ने के बाद में ये सैलरी 66,000 प्लस क्रॉस हो गई है। और साथ ही मैंने काफ़ी सारे अलाउंसेस जो भी मिलते हैं सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर आपको स्केल 2 की सैलरी देखनी है तो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दी है, आप वहां से स्केल 2 की सैलरी भी चेक कर सकते हो। काफ़ी हैंडसम अमाउंट है और ये सब 11th बाइपार्टाइट के हिसाब से चल रहा है, 12th बाइपार्टाइट अब ड्यू होने लगा है, एरियर हमारा लगातार जोड़ने लगा है उसका। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। और हाँ, अगर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करना चाहते हो तो आप इस नाम से हमें सर्च कर सकते हो, एजुकेटर पीयूष यादव के नाम से, और हिंदी गर्द के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्केल की तैयारी कर रहे हैं, एकदम हूबहू एग्जाम लेवल का हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।